आम लोगों का झगड़ा पुलिस वाले निपटाते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले ही झगड़ बैठे तो फिर उनका निपटारा कौन करे। मामला जहानाबाद का है, जहां उत्पाद अधीक्षक पर उनके जूनियर अधिकारियों ने मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित करने का आरोप लगाया है। उत्पाद अधीक्षक की पिटाई से उत्पाद विभाग में तैनात दारोगा के हाथ पर गंभीर चोट आई है। नगर थाना क्षेत्र के उत्पाद कार्यालय की यह घटना है। बताया जाता है कि घायल एएसआई नवल किशोर प्रसाद 2 महीने की सैलरी बंद होने पर उनके मुताबिक वो उत्पाद अधीक्षक के चैम्बर में अपनी रुकी हुई सैलरी को लेकर बात करने पहुंचे। इतनी सी बात पर उत्पाद अधीक्षक भड़क गए और एएसआई नवल किशोर प्रसाद के अनुसार जाति सूचक अपशब्द कहते हुए दीवार पर टंगे डंडे से उनकी पिटाई करने लगे। वहां मौजूद अन्य सहयोगियों ने उन्हें छुड़ाया। इस मारपीट में उनके हाथ पर गंभीर चोट लगी है। इसको लेकर उन्होंने बताया कि पत्नी कैंसर जैसी गंभीर रोग से पीड़ित है। बिना किसी कारण के उनकी 2 माह की सैलरी रुक गई है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। इस संबंध में उन्होंने डीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए नगर थाने में उत्पाद अधीक्षक नित्यानंद प्रसाद के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हमारा सीनियर अधीक्षक महोदय ने हमको डंडे से मारे हैं। मारने इसलिए हैं कि सर हमारे पास 2 माह से पेमेंट नहीं मिला है, दिसंबर और जनवरी माह का। मेरे वाइफ का कैंसर रोग से पीड़ित है, इसको इलाज कराने के लिए हमारे पास तनख्वाह नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को इलाज करा सकूं। मेरी पत्नी के साथ कभी भी अप्रिय घटना घट जाएगा। इसी डर के मारे में अधीक्षक महोदय से पेमेंट के लिए बात करने गए। अधीक्षक महोदय ने बोले चोर चमाट यहाँ से तुम भागो। फिर हमने बोले सर सही से बात कीजिए सर। इसी पर उन्होंने डंडा लेकर ऑफिस में डंडे टांगा हुआ है, उसी से मेरे ऊपर प्रहार किया गया। मेरे साथ और भी हमारे सहायक अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक महोदय वहाँ पर प्रेजेंट हैं। उन्होंने डंडा उनको रोकने की कोशिश किया, फिर भी हमको डंडा से मारा गया। तो आप कहिए कंप्लेन किए हैं? नहीं, डीएम साहब से मिल के आ गए हैं, डीएम साहब से बात हुआ है। वहीं उत्पाद कार्यालय में महिला वार्ड में रहने वाली महिला सिपाही ने भी बताया कि वार्ड में उत्पाद अधीक्षक रहते हैं और उनके पर्सनल ड्राइवर भी महिला वार्ड में घूमता रहता है, जिससे महिला बैरक में रहने वाली तमाम महिला पुलिसकर्मी असुरक्षा की भावना में घिरी रहती हैं। इस मामले में पूछे जाने पर उत्पाद अधीक्षक नित्यानंद प्रसाद ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि बातचीत में उन्होंने बस इतना कहा कि उन लोगों को डांट फटकार लगाई गई ताकि लंबित केसों का निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि मामला विभाग के सबसे बड़े अधिकारी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से जुड़ा है, इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है और फिर मामले का निपटारा कैसे होता है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल विभाग में इस घटना को लेकर चर्चा हो रही है। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश की रिपोर्ट। हम लोग के साथ सर बहुत बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि महिला बैरक में सुपरिटेंडेंट सर रहते हैं तो हम लोग को रहने में अनकंफर्टेबल फील होता है। बहुत तरह का बात है सर, बहुत दिक्कत होता है उनके साथ भी। जो भी प्राइवेट स्टाफ है वो लोग आते जाते रहते हैं, हम लोग रहने में बहुत बहुत बड़ा परेशानी झेलना पड़ता है सर। हम लोग महिला है, आगे पीछे देख के चलना पड़ता है, पहनना पड़ता है कपड़ा आगे पीछे देख के चलना पड़ता है सर। उन लोग का प्राइवेट ड्राइवर जो भी हो, प्राइवेट स्टाफ है, आते हैं जाते हैं, दिन भर बैरक में इधर से उधर घूमते रहते बिना काम के, तो हम लोग सर रहने में अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो मतलब अपने अच्छे जगह पे रहे ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। बस आप लोग कहाँ हैं अभी? अभी हम लोग सर बैरक में ही रहते हैं। अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग सर नगर थाना में आए हुए हैं। और कहीं गए हैं? जी सर डीएम ऑफिस गए थे, वहाँ आवेदन दिए हैं। जी